हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ लाइनर लगाने का बिल्कुल इजी ट्रिक। सेल्फ खुद से आप लाइनर कैसे अप्लाई कर सकते हो, एंड मेरी एक स्टूडेंट है उनको भी बताना था, तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर लिया जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था आईब्रो को कैसे फिल करेंगे नेचुरल लुक दिखाने के लिए, क्या चीज़ यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, एंड डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए आपको क्या क्या अप्लाई करना होता है, कैसे यूज करना होता है, क्या करेंगे तो बिल्कुल नेचुरली आपका हाइड डार्क सर्कल मेकअप के थ्रू हाइड हो जाएगा एंड आपका लुक काफ़ी अच्छा दिखेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि लाइनर कैसे अप्लाई करेंगे अगर आप बिगिनर्स हैं और खुद से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको लाइनर ऐसे उठाएंगे एंड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को निकाल देंगे। सामने एक मिरर शीशा जरूर रखिए। जब भी आप लाइनर अप्लाई कर रहे हो इस तरीके से नीचे की तरफ लाइन आंखों को रखोगे सेंटर में, जितना चौड़ा आपको करना है लाइनर को उतना लगा दोगे। मैं आज सॉरी वो ज़्यादा चौड़ा कर दिया था मैंने, तो दोबारा से बता देती हूँ आपको। सबसे पहले आपको इस तरीके से आईज को नीचे की तरफ रखना है, एकदम ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जितना चौड़ा आपको लाइनर रखना है यहाँ पे इस तरीके से मिडल पे अप्लाई कर दोगे। देन इनर कॉर्नर से मिरर जरूर रखिएगा सामने इस तरीके से लाके सेंटर में मिक्स कर देंगे। एंड विंग्स बनाने के लिए जो आपकी ये कट्स होती है ना, इसी के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ लेके जाएंगे विंग्स को। ओके, विंग्स बनाने के बाद से ये जो आपका लाइन है इसी में यहाँ से इस तरीके से लाके मिक्स कर देंगे। देन बहुत इजी तरीके से आप खुद से इसको पूरा जितना भी गैप है उसको भर देंगे और आपका लाइनर कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया? ऐसी प्रैक्टिस करना है आपको। तो इतना तो आपने साइड का तो विंग्स निकाल लिया, एंड फ्रंट में हम लोग क्या करते हैं इतना लाइनर लगाने के बाद से छोड़ देते हैं, बट आईज को बहुत खूबसूरत एंड बड़ी थोड़ी दिखाने के लिए आपको इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा इस तरीके से लाइनर को अप्लाई करना होता है। ओके, देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है, हल्का सा विंग्स आपको इनर कॉर्नर से भी अप्लाई करना है। देन जब भी हम लोग काजल अप्लाई करते हैं तो हमारा जो लाइनर है वो फैल जाता है या फिर काजल भी नीचे को आ जाता है, तो उसके लिए आपको एक टिप्स और फॉलो करनी है। अगर आप इस तरीके से काजल अप्लाई करोगे तो आपका जो लाइनर है वो फैलेगा नहीं एंड काजल भी आपका बिल्कुल भी अपनी जगह से इधर उधर नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले काजल लगाने से पहले आपको लो वाटर लाइन पर लाइनर को अप्लाई करना है, और जब आपका लाइनर सूख जाए फिर इसके अंदर आप काजल भर दो, तो आपका जो काजल है वो लाइनर से नीचे नहीं आएगा और आपका जैसे है वैसे 24 घंटे तक चलेगा। तो ये टिप्स आप फॉलो जरूर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। इस तरीके से लाइनर को अप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसको सूखने देंगे, उसके बाद अपना काजल इसके अंदर भर लो आप, तो आपका काजल बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। क्लियर हुआ? अब दूसरी वाली आईज पे भी आपको सेम इसी तरीके से करना है, तो मैं दूसरा वाला भी वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ, पूरा करके दिखा दी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि हम लोग एक आईज पे तो इजीली लगा लेते हैं, बट दूसरी पे जब लगाने की बारी आती है तो हमको दिक्कत होता है, लगा नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आपको इस तरीके से हैंड को रखना है सेंटर में, जैसे हमने इस पर लगाया था वैसे लगा देंगे, फिर इनर कॉर्नर से इसको मिक्स कर लेंगे। ओके, इस तरीके से अप्लाई करने के बाद से अगेन जैसे हमने साइड में अपना विंग्स यूज लगाया था वैसे विंग्स को निकालना है। ये हमारी कट लाइन है आईज की, इससे विंग्स को निकालेंगे, देन सेंटर में लाके मिला देंगे। अगर आपकी भी विंग्स इस तरीके से छोटी बड़ी हो जाए तो क्या करना है वो भी बता रही हूँ। आप चाहो तो इस तरीके से इसको चौड़ा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पतला ही चाहिए जैसे इधर है वैसे ही करना है, चौड़ा भी काफ़ी स्टाइलिश और अच्छा लग रहा है। तो आपको डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा कॉटन या फिर कोई कॉटन कपड़ा ले लीजिए और इस तरीके से नेल्स की मदद से इसको रिमूव कर लीजिए। अब
हल्के हाथों से एकदम ज़्यादा रगड़ोगे तो आपका स्किन छील सकता है। इस तरीके से करने के बाद से अगेन आप अपना विंग्स रेडी कर लो जैसे आपको चाहिए। हम लोग को अक्सर दिक्कत होती है जब दोनों आइस पे लगाना होता है तो आपको ये टिप्स के थ्रू काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, दोनों सेम है। अब आपको लो वाटर लाइन पे जैसे मैंने उधर बताया था वैसे ही अप्लाई कर लेना है। लो वाटर लाइन पे जरूर लगाइएगा, लो वाटर लाइन पे लगा के आप काजल अप्लाई करोगे तो आपका काजल लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और फैलेगा नहीं। और इनर पे जैसे मैंने इस साइड में बताया था वैसे ही आपको इधर से भी थोड़ा सा कर लेना है जिससे कि आपका जो आई लाइनर है वो काफ़ी शार्प और अच्छा दिखेगा। क्लियर, समझ में आया? अब लाइनर लगाने में कोई मिस्टेक नहीं होगा। अब ये हमारा सूख चुका है, अब अपना फेवरेट काजल लीजिए एंड अप्लाई। ये मेरा लैक्मे का काजल है। स्टार्टिंग में जब लैक्मे का काजल आया था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो डार्क नहीं होता था, बहुत लाइट चढ़ता था, बट अभी अच्छा हो गया और अब बहुत अच्छा लुक आता है लैक्मे के काजल से। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँगी। तो लाइनर अपने इस तरीके से लगा लेना है। देन एक टिप्स और फॉलो कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आपको मस्करा लगाना है तो आप क्या करोगे, मस्करा हम लोग कभी भी लगाते हैं तो फेस पे गिर जाता है, पूरा मेकअप हमारा ख़राब हो जाता है। तो मस्करा लगाने के लिए आपको क्या करना है, मस्करा को इस तरीके से निकालना है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पूरा इस तरीके से निकाल दीजिए, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए जो कि आपके फेस पे गिरे और आपका मेकअप ख़राब करे। पूरा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको अपने मस्करा में वापस निकाल देना है, उसके बाद आप अपना मस्करा अप्लाई कीजिए तो आपके फेस पे नहीं गिरेगा और आपका मेकअप भी नहीं ख़राब होगा। ओके, तो आई होप कि सारे मेकअप टिप्स जो भी आज मैंने दिए हैं आपको सारे हेल्पफुल रहे हों आपको आपके लिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अगर आपको और भी कुछ जानना है सीखना है तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा ताकि जो आपको चाहिए वैसा मैं बना लेना है।
Thank you.